क्वेश्चन नंबर सिक्स, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी को। ओके, देखो कैसे करेंगे। हमें जो भी अंदर है उसे टी लेट करना होगा, तो लेट कर लो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में टी। ओके, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें ए मिलेगा, फिर बी को करने पे हमें ज़ीरो मिलेगा, फिर x को करेंगे तो हमें dx मिलेगा, इक्वल टू में t को करेंगे तो dt मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इंटू में dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या मिली, dt डिवाइड में a। ओके, पुट कर दो इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो भी अंदर है ax प्लस बी उसे हमने t लेट कर लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट t है ना, और dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में a, इसे इंटीग्रेट करते हैं। एक काम करते हैं, अंडर रूट t को हम t की पावर 1/2 लिख देते हैं, a कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, 1/a और dt, अभी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। हमें क्या करना होता है, पावर में प्लस 1 करना होता है और नीचे टोटल पावर लिखनी होती है, तो पावर क्या है यहाँ पे 1/2 है, 1/a का 1/a, टी की पावर 1/2 है तो पावर में प्लस 1 कर दो, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 होता है, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा हमारा, और प्लस सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी होगी, टी क्या है, ए एक्स प्लस बी, पुट कर दो 1/a ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, प्लस सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके,